जगन्नाथ मंदिर दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिरों में एक माना जाता है, जहां तर्क वितर्क और यहां तक कि विज्ञान भी काम नहीं करता है। ऐसे में अगर रात 2:30 बजे एक लड़की चुपचाप जगन्नाथ मंदिर के अंदर चली जाए तो क्या होगा? आज जगन्नाथ मंदिर में घटित एक चमत्कार को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। इस घृणा को शेयर किए है जगन्नाथ मंदिर के एक पुजारी, जिनका नाम निर्मल महापात्र है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत भारत दर्शन YouTube चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये हिंदुओं के चार धाम में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार को श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया भर से आते हैं। कहते हैं अगर आपने पुरी आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर ले तो आपकी मुक्ति हो जाती है, यानी कि आप इस भवसागर से पार हो जाते हैं। इस मंदिर का इतिहास कई हजारों साल पुराना है। इस मंदिर के आश्चर्यजनक चमत्कार सभी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं, और जगन्नाथ पुरी के ऐसे अनेक रहस्य हैं जो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक दिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश भर के बाकी सभी मंदिरों को हिलाकर रख दिया। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यहां पर रोज लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और इस चढ़ावे को एक बंद कमरे में रखा जाता है जिसके ऊपर पुजारियों द्वारा ताला लगाया जाता है। लेकिन एक समय ऐसी घटना घटित हुई कि इस आंतरिक कक्ष की अचानक से कहीं पर खो जाती है। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के कोने कोने में उस चाबी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वो चाबी कहीं भी नहीं मिली। अब धीरे धीरे यह बात बाहर फैलने लगी और पूरे पूरी शहर में यह बात फैल गई कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने के कक्ष में लगे ताले की चाबी कहीं खो गई है। उसी रात्रि को कोमल वर्मा नाम की एक लड़की जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। मंदिर पहुंचकर चाबी न मिलने के कारण मंदिर को समय से पहले ही बंद कर दिया गया। कोमल भगवान के दर्शन करना चाहती थी, उसने पुजारियों से अनुरोध किया, लेकिन किसी भी पुजारी ने उसके अंदर आने की अनुमति नहीं दी और मंदिर के कपाट शाम से ही बंद कर दिए गए। कोमल को अगली सुबह अपने शहर के लिए निकलना था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पास केवल वही रात्रि थी जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकती थी, लेकिन वह संभव नहीं लग रहा था, तो वह भगवान जगन्नाथ की चौखट पर ही रात्रि में सो गए। तभी रात्रि 2:30 बजे एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कोमल मंदिर की चौखट पर सोई हुई थी, तभी अचानक से मंदिर के कपाट खुल गए। अंदर ही अंदर उसे अनुभूति होने लगी मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे बुला रहे हों। एकदम से जब कोमल की आंखें खुली तो मंदिर के कपाट खुले हुए थे। वह मंदिर के अंदर पहुंची और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। ये पूरी घटना उसे एक सपने के समान लग रही थी। तभी उसे अपने पैरों के पास एक भूरे रंग का लिफाफा प्राप्त हुआ और उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था रत्न भंडार की दूसरी चाबी। लेकिन कोमल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह चाबी किस कक्ष की है। अब कोमल मंदिर के अंदर उस दरवाजे को ढूंढने लगी, लेकिन मंदिर के अंदर तो कई सारे दरवाजे थे। तब उसे एक बहुत ही ज्यादा पौराणिक दरवाजा दिखाई दिया। जब उसने उस चाबी को उस ताले में लगाया तब बहुत चमत्कारिक रूप से वह दरवाजा खुल गई और अंदर नजारा देखकर कोमल के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह पूरा कमरा रत्न, हीरे, जवाहरात और करोड़ों रुपयों से भरा हुआ था। दरअसल ये सब भगवान जगन्नाथ का चढ़ावा था, जिसकी चाबी 2 दिन पहले गुम हो गई थी। लेकिन चमत्कारिक रूप से कोमल वर्मा को यह चाबी एक बंद लिफाफे में प्राप्त हुई थी। कोमल चाहती तो उस खजाने को चोरी भी कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वह भगवान जगन्नाथ की सच्ची भक्ति थी। उसने उस दरवाजे को पहले के समान लगाकर ताला लगा दिया और उस दूसरी चाबी को पुनः उस भूरे रंग के लिफाफे के अंदर रखकर उसी मंदिर के एक खाली ड्रॉज के अंदर रख दिया। शायद भगवान जगन्नाथ उसकी परीक्षा ले रहे थे, जिसके बाद भगवान को प्रणाम करके वह मंदिर के बाहर लौट आई तो मंदिर के कपाट पुनः अपने आप ही बंद हो गए। सुबह होते ही कोमल वर्मा अपनी माता की तबीयत जानने के लिए अपने शहर के लिए रवाना हो गई। जब पुजारियों ने मंदिर के कपाट खोले तो भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई और पुनः चाबी को ढूंढने का पराक्रम शुरू हुआ। गौरतलब बात यह थी कि इस चाबी के खोने के बाद से काफी ज्यादा विवाद हो रहे थे और इस मामले में राजनीति भी की जाने लगी थी। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच से भी आदेश दिए थे और मंदिर के मुख्य प्रशासक और आईएएस अधिकारी प्रदीप जैन का ट्रांसफर भी कर दिया गया था। लेकिन अगले ही दिन चाबी की तलाश कर रहे 4 पुलिस कर्मियों को भूरे रंग के उसी लिफाफे में वह दूसरी चाबी प्राप्त हो गई। सभी लोगों का कहना था कि यह साक्षात भगवान जगन्नाथ का चमत्कार था, क्योंकि हम तो कई दिनों से चाबी को खोजने में लगे हुए थे और हमें कल स्वयं साक्षात भगवान की मौजूदगी का एहसास हुआ है। जब कोमल अपने शहर देहरादून पहुंची तो वह बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसे पता था
कि हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाएगी क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे। तभी उसे पता लगा कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा हॉस्पिटल का सारा बिल भर दिया गया है और अब उसकी माँ की तबीयत भी बिल्कुल सही थी। उसने यह चमत्कार देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह साक्षात भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार है और शायद कोमल की ईमानदारी का ही नतीजा था, क्योंकि पिछले रात्रि को वह रत्न भंडार से पैसों को चुरा कर के अपने माता का इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। कहते अगर आपको भगवान जगन्नाथ पर भरोसा है तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार होते रहे। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत नवबर में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है उसे 7वीं सदी में बनवाया गया और इस मंदिर की वास्तुकला इतनी बेहतरीन है कि यहाँ पर रोजाना चमत्कार होता है। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हमें रोजाना चमत्कार देखने को मिलता है और इस चमत्कार का सबसे पहला उदाहरण जो हमें मिलता है वह है मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा। आपने सामान्य तौर पर सभी मंदिरों में देखा होगा जो झंडा होता है वह जो ध्वज होता है वह हवा के साथ लहराता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है वह हवा की दिशा से विपरीत दिशा में लहराता है और यह सिर्फ इस मंदिर में ही होता है। ये भगवान का चमत्कार ही है और यह झंडा उलटी दिशा में लहराता है और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नजर नहीं आता है। इसके ऊपर से कोई विमान भी नहीं उड़ता। इसे नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत देखा जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है भारत के अधिकतर मंदिर के गुंबद पर पक्षी बैठे रहते हैं या आसपास उड़ते ही रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां पर 500 रसोइये और 300 सहयोगी एक साथ यहां पर प्रसाद बनाते हैं, जो कि लगभग 20 लाख भक्त रोजाना यहां पर प्रसाद लेते हैं। इतना प्रसाद यहां पर बनाया जाता है, लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा होता है कि जैसे जैसे शाम होती है और मंदिर के कपाट बंद होने वाले होते हैं उससे पहले सारा प्रसाद खत्म भी हो जाता है। प्रसाद की एक भी मात्रा यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वयं हनुमान जी महाराज जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा करते हैं। माना जाता है 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया था और कहते हैं जगन्नाथ भगवान ने स्वयं वीर हनुमान जी को यहाँ पर समुद्र को नियंत्रित करते करने हेतु नियुक्त किया था। लेकिन जब जब हनुमान जी भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए आते उनके पीछे पीछे समुद्र भी नगर में प्रवेश कर जाता और जगन्नाथ मंदिर को तोड़ देता। ऐसे में उनकी आदत से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ियों से बांध दिया। जहाँ यहाँ जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का भी मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो कि प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करते हैं और अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में एक सिंहद्वार है। इस सिंहद्वार के बाहर हमें समुद्र के बेहद ही तेज ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ऐसा होता है, जैसे ही आप सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करते हैं अचानक से वह समुद्र की ध्वनि समाप्त हो जाती है और जैसे आप पुनः बाहर आते हैं पुनः अपने कानों में समुद्र की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस तरह मंदिर के बाहर एक स्वर्ग द्वार भी बना हुआ है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, तभी आपको जलने की गंध महसूस होती है। लेकिन स्वर्ग द्वार से जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे ये सारी गंध अपने आप ही दूर हो जाती है। लेकिन देखने वाली बात तो तब होती है जब आषाढ़ का महीना आता है। आषाढ़ के माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुंडिचा के घर पर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है, यानी रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी जगन्नाथ की मौसी कहलाती है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वे वापस आ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है और भाई बलभद्र के रथ को तला ध्वजा कहा जाता है। ये भी आश्चर्य का विषय है कि प्रतिदिन शाम के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को पुजारियों द्वारा उल्टा जाकर के बदला जाता है। ध्वज इतना भव्य होता है कि जब यह लहराता है तो देखने वाले भक्तों काफी संख्या में जमा हो जाती है, क्योंकि जगन्नाथ का ध्वज हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। लेकिन अगर गलती से भी पुजारी द्वारा एक दिन भी यह ध्वज अगर नहीं बदला गया तो कहते हैं अगले 12 सालों के लिए यह मंदिर बंद हो जाएगा। पिछले 1200 सालों से यह परंपरा निभाई जा रही है। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्य और चमत्कार समेटे हुए हैं और आज के इस वीडियो में हमने आपको कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ।